हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मानो या ना मानो में। आप लोगों ने कई तरह के कीड़े देखे होंगे जो कि कई तरह की बीमारियां लेकर आते हैं, पर क्या आपने ऐसे कीड़े के बारे में सुना है जो लोगों को शाकाहारी बना देता है? तो आज हम आपके लिए उसी की जानकारी लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं मानो या ना मानो, जहां हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़े तमाम अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय किस्से और कहानियां लेकर आते हैं, जिससे आपका मनोरंजन हो और साथ ही साथ कुछ जानकारी भी अर्जित हो सके। अमेरिका में एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है जिसके काटने से लोग मांस खाना छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसा उन्हें मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि मांस से उन्हें एलर्जी हो जाती है, यानी जिस व्यक्ति को मांसाहार बहुत प्रिय होता है उसे भी उससे दूरी बनानी पड़ती है। यह असर पूरी जिंदगी रहता है, यानी उस कीड़े के काटने के बाद वह व्यक्ति जीवन भर कभी भी मांस नहीं खा सकता। यह होता है कीड़े में पाई जाने वाली एक प्रकार की शुगर के कारण। अमेरिका के मिडवेस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट रीजन में लोन स्टार नाम का एक छोटा सा कीड़ा पाया जाता है। इसका आकार छोटे कॉकरोच जितना ही होता है। इसकी पीठ पर एक सफ़ेद दाग होता है जिसके चलते इसे लोन स्टार नाम मिला है। इसका वैज्ञानिक नाम एम्ब्लियोमा अमेरिकानम है। इस कीड़े से बचकर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसके काटने से लाइम डिजीज़ हो सकती है। इसके असर से स्किन पर उस जगह लाल चकता पड़ जाता है और वहाँ बहुत जलन होती है। इसके अलावा सिर दर्द, गर्दन में दर्द, चेहरे को न हिला पाना जैसे अलग अलग असर भी होते हैं। बहरहाल लोन स्टार के काटने पर एक और बड़ा असर होता है जिसके कारण व्यक्ति की पूरी लाइफस्टाइल ही बदल जाती है। कीड़े के काटने से उसे मांस और कुछ अन्य एनिमल प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाती है। लोन स्टार में एक विशेष तरह की शुगर होती है जिसे अल्फा गेल कहते हैं। लाखों साल पहले इस तरह की शुगर इंसानों में भी होती थी, लेकिन मानव विकास के विभिन्न चरणों में ऐसा होना बंद हो गया। कीड़े के काटने पर अल्फा गेल इंसान के खून में मिल जाता है। चूँकि यह एक बाहरी पदार्थ यानी कि एंटीजन होता है, इसलिए इससे निपटने के लिए शरीर एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर में दोबारा वही एंटीजन आने पर उससे निपटने की कोशिश करता है। यह अल्फा गेल रेड मीट, पॉर्क और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। तो व्यक्ति अगली बार इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खाता है तो उसके शरीर में अल्फा गेल भी जाता है। इसके साथ ही एंटीबॉडीज उसे खत्म करने के लिए शरीर के भीतर रासायनिक क्रियाएं करने लगती हैं, इसी से एलर्जी होती है। जाहिर है व्यक्ति को रेड मीट, पॉर्क और कुछ डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाती है, यानी इन्हें खाने के कुछ घंटे बाद ही उसके शरीर पर चकते उभरना, दर्द और जलन होने जैसी संभावनाएं होने लगती हैं और उसे मजबूरी में इन चीज़ों से दूरी बनानी ही पड़ती है। चूँकि अमेरिका में रेड मीट और पॉर्क बहुत पॉपुलर हैं, इसलिए इनसे दूरी का मतलब है कि व्यक्ति पूरी तरह से शाकाहारी हो जाता है। हालांकि वह चाहे तो मछली और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खा सकता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की नई नई कहानियाँ, किस्से और जानकारी वाली बातें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगली वीडियो तक अलविदा।